जय हिंद साथियों, मैं अभिराज और अभी आप सब देखना प्रारंभ कर चुके हैं अभिराज 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। सो दोस्तों, मैं इस वक्त आप सबको निर्मली स्टेशन से वीडियो दिखा रहा हूं, अपडेट दिखा रहा हूं, जो कि आप सब जो है सो फटाफट वीडियो में जुड़ने की प्रयास कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए कि ताकि सभी दोस्तों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। जो कि मैं इस वक्त आप सबको निर्मली स्टेशन का कन्फर्म जो है सो फुली जानकारी देने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा था और यहाँ पर देखिए जो ट्रेनें चलती हैं वो यहाँ पर बस अब कुछ ही देर में ट्रेन आने वाले हैं, तो आपसे वीडियो में जुड़े रहिए और जुड़े रहिएगा कि यहाँ पर जो है सो विद्युतीकरण का काम चल रहा था, जो काम पौले कराया जा रहा था विद्युतीकरण का, वो पौले जो है सो यहाँ पर अब फिलहाल गढ़ते हुए आ चुका है और वायरिंग भी चल रहा है यहाँ पर। जो कि मैं इस वक्त झंझारपुर निर्मली रेलखंड का अपडेट दिखा रहा हूँ और निर्मली स्टेशन पर हूँ इस वक्त, और यहाँ पर जो है सो किस प्रकार से अंदर ही अंदर एक स्टेशन से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए किस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है सो गुफे की तरह बनाया गया है, उसी प्रकार से फटौना स्टेशन पर भी अभी बनाए जा रहे हैं। हालांकि वहाँ पर काम अभी बहुत बाकी है, लेकिन वहाँ भी इसी तरीका से बनाया जाएगा, ठीक इसी तरीका से जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया था फटौना स्टेशन का अपडेट। तो यहाँ का अपडेट देख लीजिए आप सब, जिस तरीका से यहाँ पर बनाए गए हैं ठीक उसी तरीका से वहाँ पर भी फटौना स्टेशन पर भी इसी सेम ऐसे ही बनने वाला है। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा, तब तक कि आगे का खबर आप सबको आगे में देते हैं। अब ट्रेन जो है सो बस आ ही चुकी है, आप सब वीडियो में बने रहे और देखते रहे। चलो सो दोस्तों, जैसा कि यहां पर देख रहे हैं आप सब, यहां पर जो है सो मैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पर हूं इस वक्त और प्लेटफॉर्म नंबर दो उस साइड है और तीन भी यहां पर हैं, जो कि उस साइड अभी गाड़ी वाड़ी जो है सो मालगाड़ी ट्रेन जब भी आता है तो उसी साइड से आता है, और प्लेटफॉर्म नंबर एक पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ जो है सो विद्युतीकरण का काम देख सकते हैं, जो बिजली का पौले होता है वो यहाँ पर अभी नहीं जो है सो आया है धंसते हुए, यानी कि विद्युतीकरण का जो पोल है यहाँ पर अभी नहीं धंसाया गया है। यहाँ से लगभग मैं आप सबको बता दूँ तो इस स्टेशन से 500 मीटर झंझारपुर की तरफ जो है सो पोल यहाँ वहाँ तक आ चुका है गड़ते धसाते धसाते, और उस पोल पर जो है सो तार भी साथ ही में वायरिंग करते हुए आ रहे हैं। अगर आप सब वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से वायरिंग किया गया है, मैंने अपने चैनल के माध्यम से अपडेट दे दिया है, आप सब वहां पर जाके देख सकते हैं। और बाकी सब प्लेटफॉर्म का काम जितना भी है सब कम्प्लीट है, बस इलेक्ट्रिफिकेशन का ही काम यहाँ पर था, तो उसका भी वर्क जो है अब कम्प्लीट होने ही वाला है, बस कुछ दिनों में यहाँ तक जो है सो कम्प्लीट हो जाएगा निर्मली तक, यानी कि दो दिन बस और लगेगा उसके बाद कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पर, जो कि देख सकते हैं बहुत ही भीड़ रहता है अक्सर यहाँ पर। अब जो है सो ट्रेन चालू हो चुका है तो यहाँ पर जो है सो ट्रेन पकड़ने के लिए सफर करने के लिए बहुत सारा यात्री इस रूट में जो है सो आते ही रहता है और सफर करते ही रहता है, ठीक उसी प्रकार से झंझारपुर और लोकहा रेलखंड में भी ट्रेन इसी प्रकार से चालू कर दिया जाएगा और इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो धीरे धीरे चलता रहेगा, तो इसी प्रकार से वहाँ भी होगा दोस्तों। और चलिए मैं आप सबको आगे दिखाता हूँ
जो कि बस आगे भी यही है दोस्तों, सेम ऐसा ही है। तो चलिए आगे क्या दिखाना, बस आप सब जो है सो देखे लिए होंगे। और बस आगे लास्ट यही है निर्मली स्टेशन, देख सकते हो बोर्ड आ गया। तो बस यहाँ तक इस प्रकार से कुछ है। तो आप सबको मैंने जानकारी देना जो है सो जरूरी समझा, क्योंकि आप सब जो है सो खटौना स्टेशन का भी इसी तरीका से बनने वाला है। तो आप सब उसका अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खटौना स्टेशन में किस तरीके का सुविधा रहेगा। तो सेम ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही होगा। और जिस जो ठेकेदार सब इस रूट में काम किए हैं, वही ठेकेदार जो है सो खटौना रेलखंड में भी, यानी कि झंझारपुर लोखा रेलखंड में भी देखने को मिलता है, वही जो है सो सेम ऐसे ही काम करेगा वो भी, लेकिन बढ़िया काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो कि किया है अभी फिलहाल, तो सेम ऐसे ही काम करेगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको जानकारी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। तब तक के लिए मिलते किसी नए अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।